मध्य रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य रेलवे प्रशासन ने नेरुल, बेलापुर, खारकोपर विभाग में उपनगरीय सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के ड्राइवर और दो स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ड्राइवर और स्टाफ के बारे में जानकारी मिलने के बाद सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। शिवसेना पर हमला बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि बीएमसी में हम चाहते तो हमारा ही महापौर होता, लेकिन हमने शिवसेना पर भरोसा करके उनका महापौर बनवाया था, लेकिन शिवसेना विश्वास करने लायक पार्टी नहीं है। हिंदुत्व पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये कहने वाली नहीं बल्कि करने वाली चीज है, जिसमें शिवसेना बुरी तरह से फेल हो गई है। अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। यूट्यूबर ने एक्टर के खिलाफ झूठे दावे कर छवि खराब करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी से हमें देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पर ये जोरदार हमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने किया है। उन्होंने कहा है कि जनता को धोखा देना और गुमराह करना बीजेपी नेताओं की पुरानी आदत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार और ट्रांसफर करने में व्यस्त है। लोकप्रिय सिंगर सोनू निगम का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मीडिया के एक खास वर्ग को बुरा भला कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ मीडिया कर्मी इतने लेफ्टिस्ट हो चुके हैं कि उन्हें अपने राइट हैंड से भी नफरत है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। इसके चलते फिल्म की रिलीज पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म की रिलीज पर अभी स्टे बरकरार रखा है। इनकम टैक्स विभाग ने अगर आपको हाल फिलहाल में कोई ईमेल भेजा है और आपने इसे नजरअंदाज किया है तो संभल जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को खुद इस बात के लिए आगाह किया है। भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत आज हल्की गिरावट के साथ हुई है। सेंसेक्स 280 अंक नीचे खुला था, लेकिन धीरे धीरे इसमें रिकवरी आई है। एक बार फिर 160 अंकों की गिरावट के बावजूद सेंसेक्स 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा टेली सर्विसेज TCS के शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ रुपए के बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। TCS ने खुद इसकी जानकारी दी है। पीएम स्वनिधि योजना को बम्पर रिस्पांस मिला है। ठेले खोमचे वालों के लिए 10,000 रुपए तक के खर्च वाले इस योजना के लिए 27,33,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि भी कहा जाता है, इसके तहत कुल 27,33,490 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिसमें से 14,34,000 आवेदनों को अब तक मंजूरी दी गई है। मुंबई लोकल ट्रेन सेवा आवश्यक सेवा कर्मियों के साथ साथ महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। हालांकि आम यात्री यानी कि पुरुष यात्री अभी भी रेल यात्रा से वंचित है। 28 अक्टूबर को रेलवे और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के बावजूद कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान सम्मान की सातवीं किस्त अगले महीने किसानों के बैंक में ट्रांसफर की जा सकती है। PM मोदी की इस योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचा है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि बिजली बिलों में छूट संभव नहीं है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल से कोई राहत। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने भेजा तीसरा समन, 23 नवंबर को पेश होना होगा। ESFC बैंक ने 7% ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए ईवा बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। फिर आई सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। सोने की कीमत 50,760 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वही चांदी की कीमत 63,570 रुपए प्रति किलोग्राम है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा मंगलवार को 10,75,000 को पार कर गया। नए मामले आने का स्तर हालांकि 3,000 से नीचे बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या अब 17,52,509 हो गई है और अब तक कुल मिलाकर 46,102 लोगों की मौत हो चुकी है। BMC मुख्यालय के पुराने भवन के कई CCTV बंद कर दिए गए हैं। इससे निगम मुख्यालय की सुरक्षा को खतरा है। अनुमोदन के लिए एक नई CCTV स्थापित करने का प्रस्ताव स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है। मुंबई नगर निगम इसके लिए 77 लाख